जो जीता वही सिकंदर 1992, खिलाड़ी 1992 और दलाल जैसी फिल्मों में नजर आई आयशा जुल्का 45 साल की हो गई है। 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जन्मी आयशा उस वक्त खूब चर्चा में रही थी जब फिल्म दलाल में ऑडियंस ने उनका इंटीमेट सीन देखा। हालांकि आयशा की माने तो यह सीन उन्होंने नहीं दिया था बल्कि डायरेक्टर ने उनकी मर्जी के बगैर बॉडी डबल की मदद से इसे शूट कर फिल्म में डाल दिया था। सेक्स सीन नहीं देना चाहती थी आयशा। 90 के दशक में आयशा ने इस इंटीमेट सीन के बारे में मीडिया से बात की थी। उन्होंने कहा था, पहली बात तो मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं यह फिल्म करूं, क्योंकि इसके टाइटल से ही अश्लीलता की बुआ रही थी। इस वजह से हमने पहले फिल्म करने से इनकार कर दिया था, लेकिन प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा की पत्नी ने बार बार हमसे इस बारे में पूछा और वादा किया कि उनके हस्बैंड साफ सुथरी फिल्म बना रहे हैं। तब मम्मी ने मुझे यह फिल्म करने की इजाजत दे दी, लेकिन मेरे सामने यह कंडीशन रख दी कि मैं फिल्म में किसी तरह का इंटीमेट सीन नहीं दूंगी। बता दें कि दलाल में आयशा के साथ मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे, शक्ति कपूर और रविवार बहल का भी इसमें अहम रोल था। इस फिल्म को पार्थो घोष ने डायरेक्ट किया था। इंटीमेट सीन के अलावा यह फिल्म इसके डबल मीनिंग डायलॉग्स के कारण भी चर्चा में रही थी।